नवाब साहब जी अपनी गलतफहमी से बाहर आइए, क्योंकि अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली। कुछ दिनों बाद मैं ऐसे ऐसे नचाऊंगी तुम्हें, जुम जुम घुमाती जाऊंगी और तुम्हें घुमाती ही जाऊं। रुद्र तुम सो जाओ, वैसे भी तुम थक चुके होगे ना। गौरी, जो तू कर रही थी ना वो, तुम्हें घुमाती रहूंगी घुमाती रहूंगी, बहुत सुंदर लग रही। पहली बार तुझको देख के लगा कि बस तुझे देखता जाऊं, बस देखता जाऊं। गौरी, मैंने शादी तेरी सब तुझे वापस देने के लिए की है, इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मुझे इंतजार रहेगा उस पल का जब तुम पीहू को पूरी तरह से भूलकर मुझे अपनाओगे, और इस पल के लिए मैं इस जन्म में क्या अगले 7 जन्मों तक इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चन्नू भाभी कह रही हैं कि उन्हें वहां गड़बड़ लगी, और आप कह रही हैं कि वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देख बेटा, रत्नेश जी ने हमें खुद बताया है कि घर के सारे लोग कुछ समय के लिए बाहर चले गए हैं, और वैसे भी तू तो जानती है ना कि रत्नेश जी हम में से किसी को भी पसंद नहीं करते हैं, तो वो अपने घर वालों की जानकारी हमें क्यों देंगे। और शायद इसलिए वो नहीं चाह रहे थे कि हम ज्यादा देर तक वहां रुकें। घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा। नहीं भाई गौरी, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो जो रत्नेश जी है ना, उनके चेहरे के हाव भाव का कहते हैं एक्सप्रेशन से लगा कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहे, हाइड एंड सीक खेल रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें तो हर किसी पे शक होता है शनो। आपने ऐसा वहां क्या देखा जिससे आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? बताओ ना शनो भाभी। ऐसा तो कोई खास टिपिकल चीज हमको नहीं दिखी, लेकिन लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़। देखा, हमसे कुछ जवाब भी नहीं दे पा रही, कुछ नहीं था। देख बेटा, रत्नेश जी तुझे उस घर में देखना नहीं चाहते, और रुद्र वहां कभी लौट कर नहीं जाएगा, तो तू क्यों वहां के बारे में सोचकर परेशान हो रही है? माँ, हमें उस हवेली से कोई वास्ता नहीं है, ना ही हम लोग वहां वापस जाना चाहते। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि माँ जी वहां ठीक है कि नहीं। राजरानी जी वहां बिल्कुल ठीक होंगी बेटा। देख, जब तेरी उनसे बात हो रही थी तो फोन अचानक से कट गया, उसके बाद जब तूने घर पर फोन लगाया तो किसी ने फोन उठाया नहीं, क्योंकि वहां कोई होगा ही नहीं। घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, जाकर सो जा, रुद्र भी अंदर अकेला है। क्या हुआ बेटा,
क्यों परेशान हो रही है राजरानी जी के बारे में सोचकर? जाना अंदर जाकर। नहीं सुनैवी, हम जानते हैं कि क्या थिंकिंग करके परेशान हो रही है। किस बात से? क्या है ना कि आज सवेरे हमारी वजह से इसने रुद्र से झूठ बोल दिया, लाई कर दिया ना उसे, इसीलिए परेशान हो रही है। अरे बहुत लंबी स्टोरी है, हमारे साथ चलो हम सुनाते हैं। और गौरी जाओ तुम अंदर जाकर अपने मिस्टर का ख्याल रखो। हाँ चलो ना भाई। भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया, बता दिया कि तुम उनका बैंक का काम निपटाने गई थी। वादा करता हूँ मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरा भी तुमसे आखिरी झूठ है रुद्र, मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। रुद्र उठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुद्र, रुद्र उठो ना। कौन है? क्या हुआ? अगर मैं इस मंगलसूत्र को गिरवी रख देती हूँ तो इसके कितने पैसे मिल जाएंगे मुझे? से चौथा कॉकरोच चाहिए, मैं देख रहा हूं इसे। रुद्र क्या कर रहे हो तुम? ये इसे छोड़ूंगा नहीं मैं आज तो। ये रुद्र, और इतने बहुत अच्छे किया मुझे जगह, मैं तो ये सारी बारात लेके आता, घूमता पूरे किचन विचन में। रुद्र मैं तुम्हें कॉकरोच मारने के लिए नहीं जगाया था। इसका मतलब इस घर में और भी कीड़े मकोड़े हैं। तुम मुझे बताओ कहाँ हैं? किधर है? तुम मुझे बताओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। रुद्र मैं आज जॉब के लिए अप्लाई करने गई थी। रुद्र मैं शन्नू भाभी का कोई बैंक का काम करवाने के लिए नहीं गई थी। और तुम्हारी जमानत के लिए पैसे कोई दुकान के डिपॉजिट से नहीं आए थे। पैसों को जोड़ने के लिए मैं अपने कंगन गिरवी रखे थे। वहां तक कि अपना मंगलसूत्र, यही सच बताने के लिए मैंने तुम्हें गहरी नींद से जगाया रुद्र। रुद्र क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई भी झूठ आए। सॉरी।
मेरी बात तो सुनो रुद्र, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। देखो अपना मंगलसूत्र गिरवी रखने का मुझे कितना अफसोस है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। लेकिन रुद्र उसी के लिए तो मैं नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ ना, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास पैसे आए और मैं मंगलसूत्र छुड़वा सकूं। रुद्र मेरी बात तो सुनो प्लीज। रुद्र मैंने ये सब तुमसे छुप छुपा कर किया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है रुद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ रुद्र। गौरी मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा, अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, तो अपनी बेबसी पे गुस्सा आ रहा है, अपनी कमजोरी पे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वैसे भी सुबह होने को आई है, मुझे मुझे काम ढूंढने जाने। भगवान से प्रार्थना करके मुझे आज नौकरी मिल जानी चाहिए, वरना माँ ध्यान से सीढ़ी है। बेटा क्या हुआ? मैं तो आरती की थाली में नारियल लाना भूल गई। अब कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। ओम जय शिव ओंकार, स्वामी जय शिव ओंकार। माजी माँ, अब ठीक तो है? हाँ, लाइए दीजिए, लाइए, आइए बैठिए मेरे साथ। कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? चुप चुप जियो बेटा, तुम्हारे जैसी बेटी हर घर में हो। ओ, मेरा बेटा नारियल लाने गया है। माँ जी आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? बड़ी भली लड़की थी वो, वरना आजकल कहाँ ऐसी संस्कारी लड़कियां दिखती है। उसकी आवाज से ही पता चल रहा था बड़े भले दिल की लड़की है ये। पता नहीं कब मिलेगी मुझे ऐसी बहू, पता नहीं
कब मान जाएगा तू शादी के लिए? जब भी लाना, ऐसी बहू लाना मेरे लिए। मैं तो देख नहीं पाई उसे, तूने तो देखा होगा ना। अरे कहाँ खो गया तू? मंदिर के अंदर चलना है कि नहीं? चलिए मां। आज तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के यही मांगूंगी मैं, भगवान मुझे ऐसी बहू देना जो मेरे भोलू बेटे को, मेरी नटखट बेटी पूजा को, मेरे चुटकू शैतान बेटे नमन को और मुझ अंधी को अपना ले। ऐसी सुंदर, सुशील और साफ मन वाली बहू देना मुझे। प्यारी माँ के लिए बने जी। गौरी बहू। अरे पंडित जी आप, नमस्ते। नमस्ते गौरी बहू, मुझे आज ही पता चला है कि तुमने और रुद्र ने हवेली छोड़कर अपने नए जीवन की शुरुआत कर ली है। तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत मंगलमय हो बहू। सच कहूं बहू, रुद्र के बिना हवेली एकदम सुनसान लग रही थी। ऐसा लगता है जैसे वृंदावन से कृष्ण चले गए हैं। पंडित जी आप हवेली गए थे, लेकिन माँ जी तो हवेली में है नहीं। खामखा आपको हवेली का चक्कर लगाना पड़ा होगा ना। नहीं, राजरानी जी तो हवेली पर थी, मैं उनसे अभी मिलकर आ रहा हूँ। माँ जी हवेली में थी? हाँ बहू, वो हवेली पर ही थी, पर कुछ अजीब तरह से पेश आ रही थी वो आज। जैसे कि? पहले जब मैं हवेली में जाता था तो बड़े आदर के साथ बुलाती थी, बैठाती थी, भोजन कराती थी, लेकिन उन्होंने आज ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस प्रसाद लिया और जल्दी से चल दी। ऐसा लग रहा था कि उनका ध्यान कहीं और था। सच कहूं बहू, बहुत डरी हुई लग रही थी वो। पंडित जी चलिए, हवन की सारी तैयारियां हो गई हैं। आप चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा बहू, अब मैं चलता हूँ, मुझे हवन में जाना है। आप हवेली जाकर राजरानी जी से जरूर मिलकर आना। अच्छा बहू, जय श्री राम जी। ये लो, ये रही तुम सबकी इस महीने की तनख्वाह। और इस घर से आखिरी तनख्वाह। अब इस घर में तुम लोगों की जरूरत नहीं है। आप हमें अचानक नौकरी से निकाल देंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? वो मैं नहीं जानती। तुम लोग को तुम्हारी तनख्वाह मिल गई, अब तुम लोग जा सकते हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम लोग जाओ। बंदूक रखने से चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। अगर मुझे पहले ही ये पता होता तो मैं जिंदगी में कहां से कहां पहुंच चुका होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। आप सब लोग चले गए हैं तो हम लोग भी आसानी से निकल सकते हैं। चले माँ। मुझे अफसोस हो रहा है कि
कि मैंने एक आस्तीन के सांप को जन्म दिया। ज्यादा बकवास के ना मां, तो इसे आदमी को पहुंचा दूंगा। इसलिए जो मैं कहता हूँ प्यार से करती जा। वैसे अभी तुम दोनों को एक बहुत ही मजेदार और रोमांचक सफर पे जाना है। हाँ, लेकिन उस सफर के लिए कुछ पैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, पर मैं सोचता हूं कि सफर इतना लंबा है तो तुम दोनों थोड़े फ्रेश हो जाओ, नए कपड़े पहन लो। तो अपनी मनपसंद की साड़ी क्यों नहीं पहन लेती मां, तू भी। हाँ, छोड़ दीजिए मां जी को, मैं कह रही अगली बार गोली हवा में नहीं चलेगी। सही, तैयार हो जाइए आप तो। चलिए चलिए। फोन भी घर पर छोड़ कर गया, कब से फोन ट्राई कर रही हूं, इसलिए फोन भी नहीं उठा रहा। गौरी, तो घबरा मत गौरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माजी और केत की भाभी जरूर किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमें कुछ करना होगा माँ, उन्हें बचाना होगा। अरे बेटा, तू बैठ तो जा, चिंता मत कर। माँ, रुद्र भी घर पर नहीं है, फोन भी घर पर छोड़कर चला गया। फिर क्या करूँ माँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो कल रात ही पता लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, हमने तो कहा था। तो अब क्या करें? नानी, हमें कुछ भी करके उन्हें बचाना होगा। गौरी भाभी, बेबी भैया, मलकाइन और केत की भाभी के साथ कुछ तो गलत करने वाले हैं। मालकिन ने सबको नौकरी से निकाल दिया। हम जानते हैं ये मालकिन की मर्जी नहीं थी। रत्नेश भैया ने मालकिन और केत की भाभी को एक कमरे में बंद करके रखा था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाभी, और मालकिन जी भी बहुत डरी हुई है। और हमारे माली ने रत्नेश भैया के हाथ में बंदूक भी देखी थी। भाभी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अब आप और रुद्र भैया ही मालकिन और केत की भाभी को बचा सकते हैं। बड़े साहब और दादाजी भी शहर में नहीं है। जल्दी से कुछ कीजिए ना गौरी भाभी। रत्नेश के हाथ में बंदूक, उसका इरादा क्या है? हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। केत की भाभी और माजी को हमें रत्नेश भैया के नापाक इरादों से बचाना ही होगा। पर ये सब हम करेंगे कैसे गौरी? How do you do? मैं नहीं जानती शन्नो भाभी, किसी भी तरह कुछ भी करके हमें उन्हें बचाना है बस। और अब हम वो भी करेंगे, हमें साथ मिलकर करना होगा।